मैं बेनती करूँ आखिर में धन्यवाद करूँगे अपने वालों भी दोस्त साहब जरूर परिवार को बधाई दे खुशियां दे समागम शामिल होए ने सत्कारयोग बाबा गुरदेव सिंह जी कार सेवा वाले अपने सब दे जाने पहचाने कई अपने परिवारों के मैंबर ने हम इस मौके भावे बनूड़ सेवा उस स्थान की कर रहे हैं कि जिथे नौवें पातशाह भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का भी स्थान है तो उन्हों की सेवा कर रहे हैं उस स्पैशल तौर पर बधाई देने वास्ते आए ने खुशियां शामिल होए ने उन्होंने बेनती करूँ दो शब्द वो जरूर कह जुग जुग टल अरशां ते फरशां दे मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र निघी गोद विच जुड़ बैठी हुई साध संगत जीओ दासां दी ते अपनी लवावो हाजरी मुख करो पवित्र गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज़्यादा समा नहीं लैना केवल दो तीन मिनटां च एक साखी आपां सुणदे रहे हां विद्वानां तों वो साखी ये सुनते होंगे स भी गुरु साहबाना के वेले ना महाराज दसवें पातशाह के वेले एक बार ही ना गुरु साहब ने सिखा आख्या भी तुसी पहरे ते रहना है। जेडे पहरे ते रहन वाले सिख सीगे वो सर्कस वेखण चले गए ते जेडे सर्कस वेखण चले गए वो सर्कस तो उन्होंने की वेखनी सी उन्होंने मन में डर इन्ना कि गुरु साहबान सवेरे सानू की कहणगे ते जेड़े पहरे ते सीगे वो सर्कस वेखी गए ते सवेरे गुरु साहब जी ने कथा करदिया क्या कहिंदे जेड़े हाजर वो गैर हाजर ते जेड़े गैर हाजर वो हाजर सच जाने जे मनुख की मिलनी विच फर्क ना होवे ते फिर गुरु के चरणा च सिख दोनों वक्त नित नेम करके फिर अरदास करके ये मंग ना मंगे दात्या सही प्यारे मेल जिन्ना दे मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। पर गुरमुख प्यारे हो जहदार जी कहिंदे बाबा गुरदेव सिंह जी उत्थे चले गए जदों मैं तुहाडे दिल विच हाँ तुसीं मैनूं सेवादारी दा रूप दिता है तुसीं मैनूं अपना मैक देता मैक ते मैं बोलना समझदा नहीं सी हुंदा क्योंकि साडा कर्म धर्म ते बाणा इसलिए पाया है गुरु घर दे भांडे मांजने झाड़ू मारना मजदूरी रूप मिस्त्रियां नूं इट्टां फड़ाउणियां जो गुरु घर दी कार तुसीं सारे ही करदे हो सेवा दा मतलब हुंदा निष्काम सानू ना तां पेंशन मिलनी है ना सानू फंड मिलना ना सानू टीए ना पत्ते ते ना मेडिकल सहूलतां परमानेंट किसे करनी हो पर गुरु नानक की संगत प्यार करने वाली सानू लुको के कुछ नहीं रखती सानू सारा कुछ ही देता गुरु नानक की संगत ने। सो बहुत धन्यवाद है गुरु पातशाह कृपा कर मेरा संबंध सेवा दे रूप नाल है सरदार नेक सिंह जी दे रिश्तेदारी चो की साला साहब कह देंगे दिन कि नहीं मैं पता नहीं इन्हों के साला साहब खन्ने के कोलों लिया के सोमा सर साहब सेवा दे मार्ग के पांधी बनाए उन्होंने सोढ़ी कहिंदे ने ते मैं क्या हुण सोढ़ी छड़ दे हुण तू किसे गुरु घर का मोढ़ी बन जा सोढ़ी का मतलब उदू बाद मोढ़ी भी हैगा मोढ़ी समर्पित होके ही बनिया जाता हुंदा है। गुरु पातशाह कृपा करन सतगुर रहमत करन बहुत प्यार सत्कार बख्श दियो जहदार संता सिंह जी क्या करदे ने अक्सर सच जाणियो मैं बहुत दिल दियां गहराइयां चों इन्हां दा सत्कार करदा इस करके ये कहिंदे तुसीं साडे खुशी गमी च शामिल हुंदे हो तुसीं साडे मैंबर हो मैं हाथ जोड़ के कहना मैं तुहाडी खुशी गमी च शामिल नहीं हुंदा तुसीं मेरी खुशी गमी च शामिल हो करके मैनूं अपने पंथ कौम दा अपना सेवादार मन्निया ते मैं हासे हासे च कई वारी कह जांदा हुंदा मैं कहना बारह पिंड झज्जां दे ने प्यार बड़ा बख्श दिओ एक एक सेवादार भी बख्श दिओ हस के कई वारी कहिंदा बाबा कुर्ती तां नहीं पा सकदे पर तू पाईए तेरा सत्कार असीं सिरे दा रखांगे। गुरु पातशाह कृपा करन क्योंकि इन्हां ने भी दर दर ते सेवा मंगी है सारिआं पिंडां च गए झोली अड के कादे वास्ते गुरु ली नीवें होना पैंदा जे ये अवस्था बना करके रखी
ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਰੂਪੀ ਰਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਹਿਦਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਢੋਟੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਹਿਦਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 365 ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਢੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਗੇੜੇ ਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਆਂ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉਹ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਤ ਜਾਏ ਇਹ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਹਿਦਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲੀ ਗਰਚਾ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਕਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਹਿਦਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਢੋਈ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
पर मैक ते भी फते बुलाया कर। धन्यवाद अपनी कोई चीज दिंदा नहीं हुंदा छेती कीतियां, पर जो मैं इलाकियां च हाजरियां लवाना ये कई बार मैनू कहिंदे ने बाबा तू ही फते बुला दे, हाथी च सारियां पैड़ां आ जाणगियां। सो बहुत धन्यवाद जिन्हां इन्हां ने माण प्यार बख्शिश कीता साथ बख्शदे रहे, इस तरह सेवा दे मार्ग ते असीं पांधी बने रहांगे ते तुहानूं बेनतियां करदे रहांगे। सरदार हरनेक सिंह जी का बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं अज सवेरे भी 9 बजे माफ़ी मंगी सी, मैनू हस के कहिंदा बाबा जी मैनू कल्ले नू कुतकुतियां जीआं ना कढ़ो, मैक ते आ जाइओ सारी संगत नू ही कढ़ लिओ ते तुसीं आउणा है मिस ना करिओ। सो तुहाडे प्यार दे बद्धे सतकार दे आउणे आ, क्योंकि विराग बिना बंदगी नहीं हो सकती, त्याग तो बिना सेवा नहीं हो सकती, जज्बात तो बिना अपनी आबरू ते इज्जत नहीं बच सकती। सो सुखदेव सिंह जी बैठे इन्हां दे पिता जी ने बहुत सेवा की, समुचे नगर मेदपुर ने बहुत सेवा की, ते जेड़ी मेरी स्पष्ट ठेठ पंजाबी च कहदे मेरी पत्त भी जे बचाई है ते तां भी तुसीं बचाई होई है, ते मैं सेवा दे मार्ग दा पांधी बनिया रहां, क्योंकि कार सेवा दी संपर्ता नूं लोकां ने अरबां खरबां दीआं प्रॉपर्टियां भी दान कीतियां। बाबा हरबंस सिंह दिल्ली वाले महापुरखों को पंथ रतन का अवार्ड मिलया अकाल तख्त साहब तो, दिल्ली च इको बीबी ने 11 किले जमीन महापुरख बाबा हरबंस सिंह जी ने दिती। कुरक्षेत्र जिहड़ा डेरा बनया 3.5 किलिया च, कुरक्षेत्र के पंडितों ने जगह 3.5 किले दिती, उत्थे फिर कुर्तियां पा पा के महान हस्तियां बहुत बनिया ने उस डेरे च। सो जिहड़ी तुसीं मैनूं दिलां च थां देती मैं इहदा बहुत धन्नवादी हाँ, गुरु पातशाह कृपा करन। डॉक्टर साहब जी का भी बहुत धन्यवाद, समुची संगत का धन्यवाद मोठा जी, ये जिनी संगत उधर चंडीगढ़ जाती मैं सारी मिल के आती, तुम मैंने इन्ना समा कीमती दिता यदा धन्यवाद जी, तो सरदार नेक सिंह जी का धन्यवाद। हुण रिटायरमेंट तो बाद तैयारी रखी छड़ना मैं भी नहीं तेनों इतों लै जाऊंगा। सो लवावो हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।